मैनपुरी में डिंपल यादव 90,000 वोटों से आगे चल रही है। 90,000 वोटों की लीड पर डिंपल यादव इस वक्त। रामपुर से आजम राजा भी 4,000 वोटों से आगे हैं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चुनाव में जो रिजल्ट है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा जो 3 सीटें हॉट सीटें थी उन पर समाजवादी पार्टी अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में बीजेपी पूरी बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही। जो ताजा आंकड़े अभी तक निकल कर सामने आए हैं उनके मुताबिक अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी में 1,00,000 वोटों से डिंपल यादव मैनपुरी से आगे चल रही हैं, जहां पर बीजेपी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो खुद के ही पोलिंग बूथ से, जो उनका खुद का बूथ बताया जाता है, वहां से हारते हुए साफ नजर आ रहे हैं डिंपल यादव। आपको बता दें जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, और जब तक ये खबर आप तक पहुंच रही है तब तक ये आंकड़े हैं कि 1,00,000 वोटों से आगे चल रही है। अब किस तरीके से सोशल मीडिया पर इसको लेकर के जश्न मनाया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, या फिर यूपी में जो बीजेपी की सरकार होते हुए भी मैनपुरी की सीट पर इतने बड़े अंतर से बीजेपी हारने की कगार पर आ गई है, उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन देश की आज 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की जो काउंटिंग हो रही है उसमें ऐसे ऐसे नतीजे आ रहे हैं जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। जो एग्जिट पोल थे वो गलत साबित हो रहे हैं, जिनका नहीं बताया गया था वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट में डिंपल यादव की जो प्रचंड बहुमत से जीत की तरफ बढ़ रही है उस पर लोग काफी ज्यादा अब खुश हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर भाजपा के कैंडिडेट रघुराज शाक्य उनके सामने हैं, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन जब रुझान सामने आने शुरू हुए लोगों का जो विश्वास था वो नेताजी की बहू पर दोबारा से बनता हुआ नजर आया। जो भरोसा उन्होंने नेताजी पर दिखाया था उससे ज्यादा भरोसा अब डिंपल यादव पर दिखाया जा रहा है। वहीं आजम खान के गढ़ यानी रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में भी भाजपा को समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। यहां सपा के आसिम रजा लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। खतौली में शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे निकल गई लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गई है, और यहां पर भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। खतौली में 4थे राउंड के बाद आरएलडी उम्मीदवार ने बीजेपी पर अपनी बढ़त बनाकर यह साबित कर दिया है कि यहां पर ना ही योगी जी का और ना ही यहां पर जो मोदी जी का मैजिक चलना चाहिए था वो चला था, क्योंकि यहां पर पूरा जोर लगाया गया था, एड़ी चोटी का जिसे जोर कहते हैं वो लगाया गया था कि ये सीटें निकाल ले जाए बीजेपी, लेकिन यहां पर पेच फंस गया है। इस वक्त आपको बता दें कि जो ताजा रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक आरजेडी प्रत्याशी को 15,395 वोट मिल चुके हैं, तो वहीं बीजेपी को 9,370 वोट मिल रहे हैं। वहीं कुढ़नी सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार आगे निकल गए हैं। बीजेपी के केदार गुप्ता को 26,948 वोट मिले हैं, वहीं जेडीयू 23,312 वोट के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई है जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हुई थी उसके बाद से ही बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बना ली। बीजेपी के केदार गुप्ता को 7,936 वोट मिले और उसके बाद जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 6,369 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहकर संतोष करना पड़ा। वीआईपी उम्मीदवार नीलाभ कुमार 416 वोटों के साथ काफी ज्यादा नीचे ही रह गए। राज्य में आपको बता दें भाजपा जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद ही पहली बार दोनों पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, और अगर ऐसे में बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है तो उसके मायने भी राजनीति के नजरिए से अलग देखे जाएंगे। अभी तक के रुझानों में कुढ़नी सीट में भाजपा के कैंडिडेट केदार गुप्ता आगे लगातार बने हुए हैं, उनकी कड़ी टक्कर जेडीयू के मनोज कुशवाहा से चल रही है, और सीट पर आरएलडी विधायक अनिल कुमार सहानी को अयोग्य ठहराया गया था जिसके बाद यह सीट खाली हुई थी, और उपचुनाव में आरजेडी नीतीश कुमार की पार्टी को सपोर्ट भी कर रहा है। ओडिशा की पदमपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर पहले राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेडी आगे निकल गई है, बीजेपी नहीं बीजेडी आगे निकल गई है। बीजेडी उम्मीदवार वर्षा सिंह बरिहा 5,501 वोटों के साथ आगे चल रही है,
हैं, वही बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप पुरोहित 3,789 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए। कांग्रेस की अगर यहां बात की जाए तो यहां पर 206 वोटों के साथ वो तीसरे नंबर पर है। ओडिशा के बरगढ़ जिले की पदमपुर विधानसभा सीट पर बीजेडी और बीजेपी के बीच का कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है ये उपचुनाव बीजू जनता दल यानी बीजेडी के विधायक विजय रंजन सिंह बरिहा के निधन के बाद हुआ है। यहां पर बीजेपी की तरफ से विधायक बरहा की बड़ी बेटी वर्षा सिंह बरिया चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी ने इस सीट पर प्रदीप पुरोहित को तो कांग्रेस ने 3 बार के विधायक सत्यभूषण साहू को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस 11,000 वोटों से आगे चल रही है और अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक ये है, क्योंकि लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, एक एक मिनट पर आंकड़े बदल रहे हैं और कब कहां कौन सा राउंड पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। पांचवें राउंड की काउंटिंग की अगर बात की जाए तो वो अभी लगातार चल रही है। वहीं बीजेपी के अशोक पिंचा दूसरे नंबर पर जबकि आरएलपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर यहां पर बने हुए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की गई जिसके बाद ईवीएम मशीनें जो है वो खोली गई और इन सभी सीटों में से अगर बात की जाए सबसे ज्यादा हॉट सीट की यानी चाहे बिहार की बात हो या फिर यहां की आप बात कर लीजिए जो अभी गुजरात चल रहा है, हिमाचल चल रहा है और यूपी की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट है वो यूपी की सीट बताई जा रही है। सबसे ज्यादा 3 सीटें थी जिन पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर थी और उनमें से भी अगर सबसे टॉप की सीट मानी जाए तो मैनपुरी की, क्योंकि मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई उसके बाद बीजेपी ने पूरा जोर आजमाइश इसमें की कि वो ये सीट उनके हाथ से छीन ले, लेकिन यहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है और 1,00,000 वोटों से जो डिंपल यादव आगे चल रही हैं वो यहां पर पूरी तरीके से पटखनी देने को तैयार है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यहां पर उनका गढ़ माना जाता है और बीजेपी यहां पर पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रही है। सबसे हॉट सीट मैनपुरी की सीट है और समाजवादी पार्टी की बात करें तो मैनपुरी और रामपुर उनकी परंपरागत सीट रही है। मैनपुरी से अखिलेश ने जो है अपनी पत्नी को उतारा तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उतार दिए। अखिलेश ने अपनी विरासत बचाने और कोर वोटर को संभालने के लिए दांव चला है। तो वहीं रामपुर आजम खान का गढ़ माना जा रहा है, जहां की अगर बात की जाए तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी आगे चल रहे हैं। वहां से उनकी सदस्यता जरूर चली गई लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कंधे से कंधा मिलाकर आजम खान भी लगातार चल रहे हैं। सपा सूत्रों की माने तो उनके परिवार या कोई अन्य का जो है इस पूरे उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया, क्योंकि आजम खान यहां से कई विधायक रह चुके हैं और जब उनकी ही सदस्यता चली गई तो उसके बाद बाकी किसी ने चुनाव में आने की जो हिम्मत है वो नहीं दिखाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा वो भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। अब चुनाव में सपा की जीत अखिलेश की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। ऐसा इसलिए भी कि अखिलेश के गढ़ में समाजवादी पार्टी अगर हारी तो ये उसका व्यक्तिगत नुकसान होगा, लेकिन यहां बीजेपी अगर समाजवादी पार्टी से सीट छीन लेती है तो ये उसके लिए अतिरिक्त लाभ भी माना जाएगा। लेकिन रामपुर सीट की बात की जाए तो यहां पर आजम खान 10 बार विधायक रह चुके हैं। 1996 के बाद समाजवादी पार्टी कभी भी इस सीट पर हारी नहीं है। 21 साल से समाजवादी पार्टी का जो जलवा है वो यहां पर बना रहा है और अभी भी कायम करने की कोशिशों में लगा हुआ है। यहां तक कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में भी रामपुर से आजम खान जीत हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आजम खान के सांसद बनने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा जरूर दे दिया था। तब उनके बाद उपचुनाव में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा सपा के टिकट पर विधायक चुनी गई, जिसके बाद से अभी तक ये पूरी जो विरासत है वो कायम रही है। इसमें आपको कुछ ट्वीट्स भी हम पढ़ के बता देते हैं जो भी हाल ही का ताजा तरीन जो क्या नजारा है अभी चुनाव का और रिजल्ट का जैसे जैसे आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। जो 1,00,000 की बात की गई है उसमें संभारत समाचार की तरफ से इस पूरे मामले में लिखा गया है कि मैनपुरी में डिंपल यादव का नया रिकॉर्ड, मैनपुरी में डिंपल 1,00,000 वोट से आगे, मुलायम के जीत की अंतर से आगे निकली डिंपल, मैनपुरी में डिंपल 1,00,000 से ज्यादा अंतर के वोट से आगे चल रही हैं, ये बताया गया है।
वहीं अगर मुजफ्फरनगर से बात की जाए, भारत समाचार की तरफ से जो ट्वीट किया गया था, बताया गया था कि खतौली में आरएलडी के मदन भैया 1450 वोट से आगे, बीजेपी की राजकुमारी सैनी 1450 वोट से पीछे चल रही है। हालांकि ये आंकड़ा अब तक बढ़ भी गया होगा, जब तक आप तक खबर पहुंचेगी तब तक हो सकता है आंकड़ा जो है ये और ज्यादा बढ़ जाए और अंतर दोनों का बहुत ज्यादा हो जाए। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, लिखा है रामपुर में आसिम रजा 3848 वोटों से आगे, खतौली में मदन भैया ने 6025 वोटों से बढ़त बनाई हुई। हालांकि जो ताजा अपडेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और प्रशांत कनौजिया की तरफ से भी बताया गया है कि मुजफ्फरनगर का बड़ा अपडेट है, खतौली विधानसभा उपचुनाव का छठा राउंड चल रहा है, गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया 23324 वोट पा चुके हैं, बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी 11468 वोट ही अभी पाई हुई है, और रालोद के मदन भैया बीजेपी प्रत्याशी से 8856 का जो अंतर है उससे आगे चल रहे हैं। और उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे बदल रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी ने जहां पर पहले बढ़त बनाई हुई थी वहां से अब बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए रामपुर से, तो शुरुआत में बीजेपी जो है वो आगे चल रही थी, लेकिन जो वक्त जैसे जैसे गुजरा वैसे वैसे बीजेपी की बढ़त जो थी वो धीरे धीरे उनके पिछड़ने में आ गई, और वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो दिलचस्प चुनाव है, उपचुनाव जिसे माना जा रहा है और सेमीफाइनल भी माना जा रहा है 2024 का, वो यूपी का है, जिसमें रामपुर, मैनपुरी और खतौली सबसे ज्यादा अहम रोल निभा रहे हैं। वैसे आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे लगातार नेशन 360 के साथ, बने रहिए। जय हिंद।